हेलो दोस्तों, आज हम बनाने जा रहे हैं चने उड़द की दाल सिंपल और आसान ट्रिक के साथ। सबसे पहले हम डालेंगे कुकर में तेल 2 से 3 चम्मच। यहाँ तेल हमारा गर्म हो चुका है। अब हम इसमें डालेंगे 1 चम्मच जीरा, 1 डालने के बाद हम डालेंगे 1 बड़ा कटा हुआ प्याज, 4 से 5 हमने ली है हरी मिर्ची वो डाल देंगे हम इसमें, 4 टमाटर इसको कट कर लेंगे। ये हमारे प्याज भून रही है, अब इसी पे हम डाल देंगे 4 कटे हुए टमाटर, इन्हें भी हम भून लेंगे। इसमें हम डाल देंगे हींग, मसालों में हम डालेंगे 1 चम्मच नमक, 1/2 चम्मच हल्दी, थोड़ी सी लाल मिर्ची पाउडर, हल्का सा डालेंगे हम गरम मसाला पाउडर। अब इन सबको अच्छे से हम मिला देंगे दोस्तों, इसे थोड़ा सा भूनने देंगे हम। अब ये देख सकते हैं हमारा मसाला थोड़ा सा भून गया, अब इसी में हम ऐड कर देंगे चने उड़द की दाल जो हमने पहले से धो के भिगो के रखी थी। सारी दाल डाल के हम एक बार इसे फिर अच्छे से मिक्स करेंगे। अब हम इसमें ऐड कर देंगे पानी 1 जग, या आप अपने हिसाब से रख सकते हैं पानी, जितनी क्वांटिटी में आप दाल बना रहे हैं उस हिसाब से। अब इसे 4 से 5 सीटी आने तक हम पका लेंगे। ये हमारी 5वीं सीटी कंप्लीट हो गई। अब हम इसकी गैस बंद कर देंगे। अब इसमें डालेंगे थोड़ी सी धनिया पत्ती, अभी देख सकते हैं ये हमारी गर्मा गर्म दाल तैयार है।